ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है देवशयन एकादशी, जिसे हरिशयन एकादशी भी कहा जाता है। आज 17 जुलाई के दिन व्रत किया जा रहा है और 18 जुलाई के दिन व्रत को खोला जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त 5:35 से 8:20 के आसपास रहेगा। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से कुछ सरल श्रेष्ठ से उपाय करने हैं, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे, रोग कर्ज दुख दरिद्रता का अंत करने में सहायक होंगे। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर बड़े सरलतम तरीके से आपको करना है। कब कैसे करें ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु या हर हर महादेव लिखना न भूले। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु का स्मरण करते हैं तो दोनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए और चौहों दिशाओं से आप सभी को प्रभु की कृपा हो और देव शयन होने के बाद भी श्रीहरि विष्णु हमारे घर पर वास करें और महादेव की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए आप सभी को एक श्रेष्ठ दीपक का उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है, जब भी अष्टमी एकादशी और साथ के साथ जो है अमावस्या पूर्णिमा इत्यादि की तिथि पड़े, तब आप सभी को विशेष तौर पर दीपक का उपाय करना चाहिए। यह उपाय नहीं, एक तरह से प्रभु का चिंतन करने को, उन्हें नमन करने का उपाय, या आप कोई भी इसे नाम दे दीजिए, वह जाना जाता है। आपको एक आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक, हमेशा मैं कहती हूँ, दीपक प्रज्वलित होता है तो वह दीपदान का फल देता है। आटे का दीपक जब चौमुखा ठंडा हो जाता है, जब उसे चिड़िया कबूतर को आप दे देते हैं, तो इससे अन्नदान का भी आपको सुख प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप एक दीपक बना लीजिएगा आटे का, बिना नमक का आटा गूंदे। अगर ऐसी स्थिति है कि आप आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं, तब आप सभी मिट्टी का भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, मिट्टी का दीपक साफ सुथरा हो और उस दीपक में आपको लगा देनी है बत्तियां 4। कभी भी क्रॉस में बत्तियां नहीं लगाई जाती, इस बात का आप ध्यान रखें। हमेशा बत्तियां हमेशा 4 होनी चाहिए। कहा जाता है दीपक को दोनों साइड से कभी नहीं जोड़नी चाहिए, अर्थात बत्ती को कभी नहीं जलाना चाहिए, यह दोष है, भारी अपशगुन के स्वरूप में से जाना जाता है। तो आप 4 बत्तियां रखें दीपक में और उस दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालें और थोड़ा काले तिल डालें। हल्दी का संबंध माँ लक्ष्मी से है, श्री हरि विष्णु से है, और काले तिल का संबंध मेरे पितृ देवताओं से है, ऐसी मान्यता है। जो भी एकादशी के दिन दीपदान करें, अन्नदान करें, व्रत करें, उपवास करें, व्रत कथा का श्रवण करें, कोई भी कार्य करते हैं, कहने का अर्थ है, तो आप जो है सबसे बड़ा पुण्य कर रहे होते हैं, अपने पितरों को भी इसका एक अंश दे रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस दीपक के अंदर, चौमुखा दीपक में घी डालना है, चाहे तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, एक चुटकी हल्दी डालें और थोड़ा काले तिल डालें। ध्यान रहे साफ सुथरी अवस्था में सभी चीजें हों। शाम को प्रदोष काल में इस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण करें, या आप सभी देवी लक्ष्मी का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को, इसे भी सरल सा मंत्र का स्मरण कर इस दीपक से अपने घर के मंदिर की सबसे पहले सुंदर सभी देवी देवता जो विराजमान हैं उनकी आरती करें। आरती करने के बाद हल्दी और काले तिल मिलाया हुआ दीपक आप सभी को अपने घर में भी घुमाना है घंटी बजाते हुए, ताकि परिवार में फैली नकारात्मकता दूर हो, वास्तु दोष दूर हो और पितरों की असीम कृपा प्राप्त हो, ऐसा कार्य करना है। उसके बाद आप सभी को इस दीपक को ले जाकर अपने घर के दरवाजे में प्रज्वलित कर देना है, क्योंकि आज बहुत श्रेष्ठ दिन है। इसके बाद महादेव सृष्टि का संचालन करेंगे और श्री हरि विष्णु देव शयन के लिए चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में घर के दरवाजे पर, कहा जाता है आज एकादशी तिथि में, आप सभी अगर जो है चौमुखा दीपक, हल्दी मिला हुआ, काले तिल मिला हुआ प्रज्वलित कर लेते हैं, तो आप सभी देवी देवता पितृ देवताओं की भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, अनंत सुख इसका कहा गया है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो चौहों दिशाएं होती है, उन देवता, उन सभी दिशाओं से सभी देवता हमारी रक्षा करते हैं और चौमुखा दीपक जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति करवाने में सहायक है। तो यह उपाय करना है, आज बुधवार का दिन है। दूसरा उपाय आपको हरे मूंग से करना है। हरा बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और अपने आप में अद्भुत है, तो आपको हरा मूंग ले लेना है। हरा मूंग आप एक मुट्ठी ले सकते हैं, कम ज़्यादा ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको लेना है थोड़ा सा हरा मूंग, एक कटोरी में ले लीजिए हरा मूंग और उसमें रख लीजिए थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, और आपको रखना है एक बेलपत्र। जो यह हरा मूंग होता है वह बुध ग्रह से तो जुड़ता ही है, साथ ही बल बुद्धि विद्या इत्यादि भी प्रदान करने में सहायक होता है। गुरुजी ने कहा है, जब भी बुधवार की तिथि पड़े, आपको अपने हाथ में एक बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, रखना है, और धन अर्जन हो, ज्ञान में वृद्धि हो, संकट पीड़ा से मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ में हरा मूंग और एक बेलपत्र रखकर, थोड़ा गुड़ का टुकड़ा रखकर नंदी बाबा को
ठीक है, नंदी बाबा को अर्थात बैल को इसे खिला देना है। बैल ना मिल पाने की स्थिति में आप गौ माता को भी इसे खिला सकते हैं, लाभ इसका मिलता है, पितृ देवता भी इसका सुख प्राप्त करते हैं। तो हमने बात कर ली दो उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, तुलसी मैया की सूखी लकड़ी जो कि भाग्य परिवर्तन करती है, संकट काटती है, दुख दरिद्रता का अंत करती है, तो वही तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है। तुलसी की सूखी लकड़ी को आपको रुई में लपेट लेना है या कच्चे सूत में लपेटना है, उसे घी में डुबो देना है। उसके बाद आपको घर पर विराजमान जो श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है उसकी आरती कर लेनी है। कहा जाता है तुलसी की लकड़ी भाग्य को बदलती है, संकट काटती है, और श्रीहरि विष्णु को तुलसी की लकड़ी हो, हरी चंदन हो अर्थात तुलसी की लकड़ी को घिसकर बनाया गया हरी चंदन हो, या तुलसी की मिट्टी हो, या तुलसी से संबंधित कोई भी वस्तु हो, अपने आप में वह बहुत सुख प्रदान करती है। तो आपको तुलसी की लकड़ी को तोड़ लेना है, उसमें आपको रुई लपेट कर उस तुलसी की लकड़ी को घी में डुबो कर सबसे पहले श्रीहरि विष्णु की आरती करनी है। चाहे तो श्रीहरि विष्णु के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। तुलसी की लकड़ी को आपको जो है अपने घर पर अपनी मनोकामना कहकर प्रज्वलित कर देना है, ऐसी मान्यता है। जो भी एकादशी व्रत के दिन तुलसी की सेवा श्रीहरि विष्णु को देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं, हर तरह की परेशानी मिटना उसके शुरू हो जाती है। तो करके देखिएगा, यह उपाय भी आपको बहुत सुख प्रदान करेगा। कमेंट्स में अभी तक आपने प्रभु का सुमिरन नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ आज शाम के समय आप संभव हो तो अपने ही घर के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप जरूर से कीजिएगा। इसके साथ साथ अन्य उपाय आप करने में सक्षम हो तो अति उत्तम है। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, जब भी एकादशी तिथि पड़े आपको सबसे पहला एक दीपक तुलसी माँ के समक्ष जलाना है। तुलसी में जल ना चढ़ाएं, तुलसी की पत्ती ना तोड़ें, इस बात का ध्यान रखते हुए तुलसी में एक गोलबत्ती का घी का दीपक आज सबसे पहले जलाएं। उसके बाद पीपल देवता के समक्ष, क्योंकि ऐसे वृक्ष यह बताए गए हैं जो कि पितरों के और देवी देवताओं के तुल्य माने गए हैं, तो पीपल देवता में एक दीपक आप गोलबत्ती का घी का लगा दीजिए, अनंत सुखों की प्राप्ति के लिए। दो दीपक हो गए, तीसरा आपको केले वृक्ष के जड़ में लगा देना है ताकि प्रभु की खूब कृपा रहे। चौथा, आप सभी को आवश्यक रूप से जो बेलपत्र का पौधा है यहाँ पर आप दीप लगा देते हैं, और घर के दरवाजे और घर की रसोई में दीप लगा देते हैं, तो आप एक महादान कर रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। जीवन में हार रहे हैं, परेशानियों से घिरे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एकादशी तिथि पर श्रेष्ठतम कार्य आपको करना है। कहीं नहीं जाना, अपने घर के आसपास ही करें। एकादशी तिथि है, कम से कम एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता को दान कर दीजिएगा। कहा जाता है एकादशी तिथि पर किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार एक समय का सूखा भोजन जो पंडित जी अपने घर पर जाकर बना सकें, किसी योग्य पंडित जी को आज देर रात्रि तक दान में दीजिएगा। इसका परम सुख कहा गया है। निर्धन कोई भूखा व्यक्ति मांगने के लिए एकादशी तिथि पर आए ना, तो आपको जरूर से उन्हें भी कुछ प्रदान करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।